आज की रेसिपी में हम एक आसान तरीके से स्पंजी अनार की केक बना के तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से केक बनी हुई है और बहुत ही स्पंजी है। पोमेग्रेनेट या अनार की जूस निकाल के मैंने इसको बना के तैयार किया है और इसमें दो बूंदे मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर ऐड करना ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो नहीं तो स्किप कर सकते हो। इसको मैंने बिना ओवन अंडा बटर के बना के तैयार किया है, बहुत ही इजी सा रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये वाला कढ़ाई में आज हम केक को बेक करके तैयार करेंगे। कढ़ाई में हम आधा किलो नमक डालेंगे। नमक को थोड़ा सा फैला देंगे। अभी हम नमक के बीच में एक स्टैंड ऐड करेंगे। कढ़ाई को कवर करके स्लो मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। एक कटोरी में है अनार का दाना और दूसरा कटोरी में है अनार की जूस। तो ये दो मीडियम साइज पोमेग्रेनेट से निकला हुआ है, इसको मैंने ब्लेंड करके और छन्नी में छान के जो जूस निकला है ये है इस कटोरी में। तो आज हम मैदे के साथ इस जूस को मिला के केक बना के तैयार करेंगे। केक के लिए हम 2.5 कप मैदा लेंगे। मैदे में अभी ऐड करेंगे 1 कप शुगर पाउडर। 2.5 कप मैदे के लिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, उसके साथ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लेंगे। सारी की सारी ड्राई फ्लोर को एक बार मिला देंगे। पहले से मैदा को मैंने छन्नी में छान के रखा था, तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गुनगुना दूध। अभी हम ऐड करेंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। ये बिना फ्लेवर वाला ऑयल है, इसके जगह आप चाहे तो बटर यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली रिफाइंड ऑयल से ही केक ज़्यादा स्पंजी बनता है। अभी हम बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो केक के ऊपर डिजाइन करना है उसमें भी थोड़ा सा बैटर चाहिए होगा। तो अभी हम ये थिक वाला जो बैटर है इसमें से ही कुछ स्पून एक कटोरी में निकाल के ले लेंगे। अनार के जूस से मैंने 2 बूंद लिक्विड रेड फूड कलर डाल के रखी थी, तो अभी हम अनार के जूस को डालेंगे केक की बैटर में। कलर ऐड करना ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो नहीं तो स्किप कर सकते हो। बैटर को 1.5 मिनट के लिए बीट करेंगे। बैटर को बीट करने के बाद उसमें ऐड करेंगे 1/2 कटोरी अनार की दाने। फिर से एक बार अच्छे से मिला देंगे। ये पैन में हम आज केक को बेक करेंगे। तो ये 8 इंच वाला राउंड शेप का एक बेकिंग पैन है, इसमें ऐड करेंगे 1 बटर पेपर। अभी हम पैन को ग्रीस करेंगे, चारों तरफ से अच्छे से ऑयल लगा देंगे और बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि बेक होने के बाद केक आसानी से निकल के आ जाए। बैटर को अभी हम पैन में ऐड करेंगे। पैन को थोड़ा सा टैप करेंगे। जो मैदा की घोल हमने बचा के रखा था 3-4 टीस्पून, उसमें अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। इसमें हमको केक के ऊपर डिजाइन बना के तैयार करना है। बैटर और ग्रीन फूड कलर को अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि केक के ऊपर अगर ज़्यादा पतला हो गया बैटर तो डिजाइन अच्छे से नहीं आएगा और फैल जाएगा। सॉस वगैरह जिसमें सर्व करते हैं उस टाइप का एक बॉटल हम यूज करेंगे डिजाइन के लिए। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, अगर आपके पास हो तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप डिस्पोजेबल कोन में भी बैटर भर के डिजाइन बना सकते हो।
अभी हम केक के ऊपर डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। ये आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी डिजाइन बना सकते हो। मैं जस्ट इसको एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन देने के लिए रेड के ऊपर ग्रीन वाला कलर चूज किया है। अभी हम डिजाइन के ऊपर थोड़ा थोड़ा पोमेग्रेनेट की सीड्स को ऐड करेंगे। डिजाइन मैंने बना दी है तो अभी हम इसको बेक करेंगे। 10 मिनट हो चुका है तो बेकिंग के लिए कढ़ाई अभी प्रीहीट हो चुका है। केक टिन को हम कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई को अभी कवर करेंगे। 20 से 25 मिनट तक स्लो मीडियम फ्लेम इसको बेक करेंगे। 25 मिनट हो चुका है तो अभी हमको चेक करेंगे। केक की कलर भी बहुत अच्छे से आया है और साइड से ये बेक होके पैन से छूटते हुए दिखाई दे रहा है। एक वुडन स्टिक डाल के केक में चेक करेंगे। क्लीन होके वुडन स्टिक निकल के आ गया, इसका मतलब केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे और रूम टेम्परेचर में आने के बाद पैन से निकालेंगे। केक अभी रूम टेम्परेचर में आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। चाकू से थोड़ा सा इसका साइड का भाग निकाल देंगे ताकि आसानी से केक निकल के आ जाए। बैक साइड से बटर पेपर को निकाल देंगे। केक को अभी थोड़ा सा कट करके चेक करेंगे। केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और एकदम स्पंजी बना है। तो अभी हमारा पोमेग्रेनेट या अनार की केक बनके तैयार है। कोई भी ओकेजन हो, बिना व्हिप्ड क्रीम आइसिंग के भी इसको हम दे सकते हैं गिफ्ट में या खुद घर में सेलिब्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो केक है बनाने में भी आसान है और देखने के लिए बहुत ही सुंदर है। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। रेसिपी देखने के बाद अगर ये रेसिपी आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। मैं बहुत सारा नई नई रेसिपी वीडियो लाने वाली हूँ। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, नहीं तो टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा।